आज हम एक नए टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुए हैं जिसका नाम है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं हीमोफीलिया क्या होता है। हीमोफीलिया रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन ऑफ द फैक्टर्स 58, 19 and 10 क्रोमोसोम्स ईच ऑकर द माइल्ड मॉडरेट एंड सीवियर फॉर्म। ये क्या है? जो म्यूटेशन हो जाता है फैक्टर 9, 10 और फैक्टर्स में किसी कारण से क्रोमोसोम 10 की वजह से ये माइल्ड हो सकता है, मॉडरेट होता है, दैट इज कॉल्ड द हीमोफीलिया। सेम इस तरह की एक डिजीज और होती है जिसका नाम होता है सिमिलर लेवल ऑफ डिजीज जिसका नाम फैक्टर 8 और 15। जैसे क्लिनिकली क्या डिस्टिंग्विश करेंगे तो ये एक तरह से एक्टिवेट रहती है। हीमोफीलिया क्या होती है? एक्स लिंक्ड डिजी होती है जो कि क्या होता है, जो कि क्या कह सकते हैं वहाँ पेरेंट्स से ही मिलती है। और इसमें क्या होता है, जो फंक्शनल प्लाज्मा होता है ए उसमें फैक्टर होता है, फैक्टर 8 होता है, एफ वी एट होता है क्लोजिंग फैक्टर, वो अफेक्टेड होता है इसके अंदर क्योंकि हीमोफीलिया ए के। ये टाइप्स कह सकते हैं इसको, ये टाइप है ठीक है ना। और हीमोफीलिया बी में इसको कहते हैं क्रिसमस डिजीज भी बोला जाता है। ये इनहेरिटेड होता है। इसमें क्या होता है कि जो कोगुलेशन 10 फैक्टर है प्लाज्मा के अंदर वो अफेक्टेड होता है। हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे नीचे, ठीक है ना। देखिए हीमोफीलिया ये प्राइमरी साइट में जो होता है फैक्टर 8 है, कौन सा फैक्टर 8 है, ये वैस्कुलर एंडोथेलियम लीवर के थ्रू रेटिकुलर सिस्टम में जाता है। और इसको जो एफ एट है ये डिसफंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि डिस्ट्रक्शन करता है इंस्टिंक्ट का कोगुलेशन को, और कोगुलेशन को इंटरेस्ट करता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हेमरेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। ये ज़्यादातर साइनोवियल जो ह्यूमन साइनोवियल होता है उसमें हाई लेवल टिश्यू होते हैं उसमें क्या होता है इनहिबिटर्स का काम करता है, कौन सा एक्स ए फैक्टर, और ये हीमोफीलिक में ब्लीड करता है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से हीमोफीलिया भी होता है, हीमोफीलिया बी के बारे में जानेंगे, ठीक है ना, ठीक है। हीमोफीलिया बी की बात कर रहे हैं हम लोग। फैक्टर 9 डेफिशिएंसी डिसफंक्शन ऑफ फैक्टर 9 किसका है, फैक्टर 9 का डिसफंक्शन है जो कि लीड करता है डिस्टर्बेशन ऑफ नॉर्मल इंस्टिंक्ट कोगुलेशन को करता है, ठीक है ना। ये भी किसी ट्रोमा या हेमरेज का एक्सेसिव होना, वो ये ज़्यादातर ये देखा गया है तो नी एल्बो मसल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम जेनाइटो एरिया इस जगह पर ज़्यादातर ये कंडीशन मिलने को। ये फैक्टर जो विटामिन के होती है उस पर डिपेंडेंट होता है, उसकी वजह से ये कंडीशन पैदा होती है, क्लियर। इंस्टिंक्ट सिस्टम नेक्स्ट और पढ़ते हैं। इंस्टिंक्ट सिस्टम इज इनिशियली व्हेन द फैक्टर 8 एक्टिवेट बाय कॉन्टैक्ट टू डैमेज एंडोथेलियम। ये क्या कहते हैं, फैक्टर 8 है वो क्या एक्टिवेट होता है तो कॉन्टैक्ट किसके साथ एंडोथेलियम की आता है उस डैमेज कर देता है, और उससे इंस्टिंक्ट सिस्टम इज द कन्वर्जन द फैक्टर 10 फैक्टर एक्स 10A इन्वॉल्व द टिश्यू फैक्टर्स द थ्रम्बोसाइटोप्लास्टिन एंड फैक्टर 7 इज कैल्शियम आयन। तो ये कन्वर्ट क्या होता है, कन्वर्ट किस में होता है, फैक्टर 10 में हो जाता है और वहाँ पर इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, ठीक है ना। चलिए और हम आगे और जान लेते हैं। कॉजेज की कॉजेज की बात करें तो कॉजेज ये जेनेटिकली होता है, ये ठीक है,
और इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है हीमोफीलिया को। क्यों बैक्टीरिया की फैमिली में यही बीमारियाँ थी जो कि हीमोफीलिया थी, इसको कैसे नाम से आता, रॉयल डिजीज के नाम से जाना गया, ठीक है ना। अब इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो सकता है कि उसको हैमरेज हो सकता है, क्या हो सकता है, हैमरेज कंडीशन हो सकती है, पहला पॉइंट। हेमेचूरिया आएगा, ब्लड आएगा। जनरल सिम्टम्स में बात करें तो ऑर्थोस्टेसिस हो सकता है, ठीक है। मस्कुलोस्केलेटल में बात करें तो टिंगलिंग होगी, ठीक है, क्रैकिंग होने लगेगी, वार्म पेन हो, पेन होगा, वार्मनेस होगी, स्टिफनेस आएगी, ठीक है, इस तरह की दिखाई। सेंट्रल नर्व से हेडेक होगा उसको, स्टिफनेस हो जाएगी ना गर्दन में, वॉमिटिंग होने लगेगी, लेथार्जी भी रहेगी, इरिटेबिलिटी महसूस करेगा, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड में सिंड्रोम भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं इसके अंदर। जेनाइटो में हम बात करें तो पेनलेस रहेगा, इसमें कोई पेन नहीं होगा। हिपेटिक और स्प्लेनिक कंडीशन में टेंडरनेस आ सकती है, ठीक है ना, ये कंडीशन हो सकती है। चलिए, इस इतना इसमें आप में आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा।